In the name of Allah, who's the most beneficial and the most merciful, I hope that you are in a good best, health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin. आपके सामने मौजूद हूँ मेडिकल के प्रोफेशन के बारे में टॉक करने के लिए कि मेडिकल प्रोफेशन क्या है और ख़ास तौर पे वो कौन कौन से जो है ना वो डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल प्रोग्राम्स हैं जिनको करने के बाद आपने अपने नाम के साथ डॉक्टर्स लगवा सकते हैं या वो कौन कौन सा प्रोग्राम है जिसमें आप डॉक्टर कोड या जिसे लैब कोड या जिसे वाइट कोड भी कहते हैं ये पहन सकते हैं। ये बड़ा हमसे एक अहम क्वेश्चन होता है एक जो तालिबे इल्म होता है जब एजुकेटेड होते हैं ये इंटर क्लियर करते हैं तो इनके माइंड में ऐसी ही जो है ना क्वेश्चन आते हैं कि हम ये करेंगे प्रोग्राम MBBS BDS तो कहने के हर बंदे का वो वहाँ तक पहुँचना बड़ा नामुमकिन सी बात है। क्यों? उसकी वजह है यहाँ पर जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर इदारे कम हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। जब स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, जब कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो इदारे कम है, सीट्स कम हैं, लोग ज़्यादा हैं तो जो है ना मेरिट लगता है। जब मेरिट लगता है ना तो हर बंदा MBBS BDS में एडमिशन पॉसिबल उसका नहीं हो पाता, तो दैन डेट्स वाई कि वो उसने फिर कोई ना कोई फील्ड चूज़ करनी होती है, मैं कोई ना कोई फील्ड चूज़ कर लूँ उसके अलावा। सो उसके बाद जो बहुत सारे प्रोफेशन हैं इसके ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, MIT मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, BS Anesthesia, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, BS रिस्पिरेटरी थेरेपी एंड देर आर लॉट ऑफ फील्ड्स आफ्टर FSC प्री मेडिकल। आप कौन कौन सी मेडिकल की फील्ड है जिसमें हम लैब कोट पहन सकते हैं, वाइट कोट पहन सकते हैं, वो कौन कौन सी फील्ड है जिसके जिसके बाद हम अपने नाम से डॉक्टर लगा सकते हैं। याद रही दो चीज़ें जो है ना, एक अपने नाम के साथ डॉक्टर लगना बड़ा एक अहम चीज़ है, सेकेंड थिंग जो एक वाइट कोट है इसको बड़ी जो है ना पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तकवीत और ये जो है ना इज्जत का हामिल है। इसके ऊपर बड़े बड़े स्ट्राइक्स हुए हैं कि इस डॉक्टर नाम के साथ और ये एक वाइट कोट के साथ जो है ना बड़े बड़े स्ट्राइक हुए हैं। आई एम ऑल्सो बिलोंग टू डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट एंड क्लिनिकल ऑप्थोमोलॉजी, मेरा ताल्लुक क्लिनिकल ऑप्थोमोलॉजी के डिपार्टमेंट से है या VN साइंस के डिपार्टमेंट से है, मेडिकल डिपार्टमेंट से। सो जो मुझे क्वेश्चंस मौजूद होते हैं हमें अक्सर औकात उनके ऊपर बात करने के लिए मौजूद हूँ। याद रहे MBBS और BDS ये दो प्रोग्राम हैं ही, इनके अंदर आप डॉक्टर लगा सकते हैं अपने नाम के साथ, आप जो है ना वो वाइट कोट पहन सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद बात आती है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जो फार्मेसी करते हैं फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि सर वो मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट होते कौन हैं? फार्मासिस्ट वो होते हैं जो मेडिसिन जो बनाते हैं, ठीक है जी, जो मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिन की जो प्रोडक्टिविटी जो है ना इसको इन्हांस करते हैं, इसकी जो है ना वो क्वालिटी चेक करते हैं, फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उनके नाम से डॉक्टर लगता है। क्यों? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, ये तीन प्रोफेशन समझ आ जाएगी। बाकी जो प्रोफेशन है जिसमें नर्सिंग आ गया, जिसमें मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी आ गई, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो है रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, अल्ट्रा जो है, इसके बाद जो आपकी फील्ड आ गई मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या मेडिकल लैब साइंसेस, ये जो होती है लैब टेस्ट की जो है ना वो एक फील्ड है, लैब टेस्ट की फील्ड है। सो इसके अंदर भी जो है ना आप ये लैब कोड इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं नाम बता देता हूँ, कोई भी फील्ड है ना मेडिकली, कोई भी फील्ड है, ठीक है जी, सिवाय इसके कि चंद एक वो फील्ड जो कि आप प्री मेडिकल के अलावा नॉन मेडिकल स्टूडेंट भी, ऐसी फील्ड जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट भी कर रहा हो उसके अंदर आप लैब कोट नहीं पहन सकते। हर वो फील्ड जो आप प्री मेडिकल की बात करते हैं उसके अंदर आप वाइट कोट जिनकी जो होता है ना ये डॉक्टर कोट आप ये पहन सकते हैं, ठीक है। अक्सर उकात जो है ना आप देखेंगे इदारों के अंदर जो है ना वो एक जो मेडिकल डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर हर बंदे ने लैब कोट, और ये लैब कोट ना सिर्फ पहन सकते हैं बल्कि लैब कोट इज़ जो है ना वो कंपल्सरी, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, आपको इदारे की तरफ से ये रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, अगर आपने ये ना पहना हो आपको फाइन हो जाएगा, आपने ये ना पहना हो आपको हम जॉब से जो है ना वो फला फला कर देंगे, ठीक है। तो ये एक ये सिर्फ पहन सकते हैं, पहनना पड़ता है, आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है जी। जिस तरह के एक वकील है, वकील की पहचान किया जी काला कोट, ठीक है जी, इसी तरह ये एक जो दूसरा प्रोफेशन है ना जिसे आप वाइट कोट या डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर के लिए ज़रूरी है, डॉक्टर की पहचान होती है जी, ठीक है। और अगर आप ये वाइट कोट पहनते हैं तो आपको जो है ना वो माशरे के अंदर या किसी सोसाइटी में एक अच्छा इमेज मिलता है, ठीक है। तो हर वो प्रोग्राम जो मेडिकल का है उसके अंदर आप जो मेडिकल का प्रोग्राम, याद रहे मेडिकल का प्रोग्राम हो और वो आफ्टर प्री मेडिकल आप कर रहे हैं उसके अंदर आप जो है ना लैब कोट पहन सकते हैं, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। डॉक्टर लगा सकते हैं वो बताएं, मैंने आपको बताया MBBS, अच्छा MBBS जो फील्ड है ना बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी है, ठीक है जी, ये डॉक्टरेट इसको जो है ना डॉक्टर वर्डिक प्रीफिक्स जो है ना लगाते हैं, इसी तरह BDS है बैचलर ऑफ डेंटल एंड सर्जरी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ये नेम है डिग्री का डॉक्टर, इसलिए वो अपने नाम से डॉक्टर लगा लेते हैं। इससे पहले जो है ना वो डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री जो एक फील्ड थी इसके ऊपर स्ट्राइक्स ये कि MBBS डॉक्टर्स ने जो है ना स्ट्राइक की और जो है ना डॉक्टर मिटा दिया, ठीक है जी, जो एक VN साइंस की जो फील्ड है, ऑप्थोमोलॉजी की जो फील्ड है, क्लिनिकल ऑप्थोमोलॉजी।
अब याद रहे, ये जरूरी नहीं है कि आपके नाम से डॉक्टर लग रहा है। आज के दौर में अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको स्किन का प्रॉब्लम है, आपके ये कहते हैं कि मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, या वहाँ जब जाते हैं लैब किसी लैब में टेस्ट करवाने के लिए, तो आप ये थोड़ी कहते हैं प्लीज़ लैब टेक्नीशियन साहब आकर जो है ना मेरा ब्लड ले लें, या आप जब अपना वो इमेजिंग करवाने जाते हैं, कोई एक्सरा करवाने जाते हैं, या कोई MRI करवाने जाते हैं, तो आप ये थोड़ी कहते हैं कि अपना क्लिनिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट साहब आप आएँ हमारी इमेजिंग कर दें। ऐसा नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। एक इंजीनियर को क्या पता कि डर्माटोलॉजिस्ट कौन है, कार्डियोलॉजिस्ट कौन है, रेडियोलॉजिस्ट कौन है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट कौन है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कौन है, ये तो मेडिकल टर्म्स हैं, ये तो मेडिकल के लोगों को पता है। क्या नॉन मेडिकल बंदा ये तो आगे मजीद जो है ना वो कह लगे डेप्थ है, क्या हर बंदा ये जानता है, हर बंदा ये चीज़ें नहीं जानता। हम तमाम तो लोगों को जो जिन्होंने वाइट बोर्ड पहना उनको डॉक्टर कहा जाता है, सारे डॉक्टर हैं जो प्री मेडिकल के बाद कोई मेडिकल प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो मर्जी वो कर रहा है तो डॉक्टर कहलाएगा, ऐसा नहीं है, इसकी भी रिस्ट्रिक्शन है। मैंने आपको बताया जो प्री मेडिकल के बाद कोई मेडिकल प्रोग्राम कर रहा है, प्री मेडिकल प्रोग्राम प्री मेडिकल के बाद ही होते हैं, नॉन मेडिकल तो नहीं ना होते। जो नॉन मेडिकल बाद भी कोई एक दो फील्ड्स हैं उनमें आप नहीं पहन सकते, ठीक है। तो जो है ना ये आप ये मान ही नहीं रखता कि जो है ना आपके नाम से डॉक्टर लगे, आपका प्रोफेशन आपकी पहचान है। डॉक्टर तो फिर वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या मेडिकल स्टोर वालों के साथ भी डॉक्टर लगता है, तो फिर उसमें और आप में क्या डिफरेंस रह गया। आप एक जो अगर रिसर्च करते हैं, आप एक काबिल डॉक्टर बनते हैं, MBBS करते हैं, FCPS करते हैं, चलिए तो लग फील्ड है ना एक, आप अगर जो है ना वो बैचलर करते हैं, बैचलर करने के बाद आप MPhil करते हैं, MPhil करने के बाद आप PhD करते हैं, या कितनी लंबी स्टडी है, तो फिर डॉक्टर तो वो भी डॉक्टर, आप में फ़र्क क्या रह गया। आपके जो पहचान है वो आपके प्रोफेशन से होती है। आई एम ऑप्टोमेट्रिस्ट, आई एम डर्माटोलॉजिस्ट, आई एम रेडियोलॉजिस्ट, आई एम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, आपका प्रोफेशन आपकी पहचान जाता है। तो मार्केट के अंदर सारे डॉक्टर हैं, नाम के साथ डॉक्टर लगेगा नहीं लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्टर नहीं लगेगा। MBBS, BDS और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को निकाल के किसी भी डिग्री के साथ जो है ना आप डॉक्टर नहीं लगा सकते डॉक्यूमेंटेशन में, जो आपके होते हैं ना वो डिग्री डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लगा सकते। डॉक्यूमेंटेशन के अलावा किसी को पता ही नहीं है कि डर्माटोलॉजिस्ट कौन है, कार्डियोलॉजिस्ट कौन है, वो मेडिकल लोगों को पता है बस। बाकी जो आम, हमने तो आवाम के लिए काम करना है, तो आवाम के लिए सारे डॉक्टर हैं, जिसने ये कोड पहचान ही डॉक्टर की है, ठीक है जी। तो ये डॉक्टर्स ही पहनते हैं, ठीक है, ये डॉक्टर्स की ही पहचान है, तो सारे डॉक्टर हैं। आपका प्रोफेशन आपकी पहचान होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके नाम से डॉक्टर लगता नहीं लगता, पाकिस्तान में सारे डॉक्टर हैं, ठीक है। तो ये वो गुफ्तगू थी जो बड़ा एक मिथोलॉजी मुझे जो है ना, बड़ी क्वेश्चन इतने ज़्यादा इकट्ठे हो चुके थे तो मुझे जो है ना इस पर वीडियो बनाना पड़ रही है। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने क्लियर किया आप तक। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए जो मेडिकल का प्रोग्राम है, कौन कौन सा सेलेक्ट करें, कौन सा सेलेक्ट ना करें, इसके लिए आप मेरी वेबसाइट abdulrahmanfoundation.com विजिट कर सकते हैं। केयर एंड काउंसलिंग के सेक्शन में जाकर प्री मेडिकल के तमाम तरह जो है ना वो आप ऑप्शंस देख सकते हैं कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, ऑल अबाउट दैट आप वहाँ पर जो है ना जाकर देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, वमा अलैना इलल बलागुल मुबीन, थैंक यू।